Now see here, what is your exercise? Read the sentences, circle the correct word. क्या कह रहा है वो? Sentence को पढ़ो और जो आपके correct word है उसको circle करो. ठीक है. Now अब आप देख रहे होंगे sentences में आपको जो है वो two words जो है वो dark करके दिया है. Okay? Now तो ये जो two words है उनमें से जो right word जो sentence में match होता है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, उस पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है. अंडरस्टूड? गॉट इट? नाउ तो फर्स्ट मैं रीड कर रही हूँ फर्स्ट सेंटेंस. द मॉनिटर और माउस हैज टू और थ्री बटन्स ऑन इट. क्या कह रहा है वो? जो माउस होता है ना और मॉनिटर होते हैं, ठीक है, तो उनमें से किसके ऊपर जो है वो टू और थ्री बटन्स होते हैं. ठीक है, तो हमने पढ़ा है किस पे होते हैं? माउस पे होते हैं ना, मॉनिटर पे नहीं होते. ठीक है, तो ये क्या है हमारा राइट वर्ड? माउस. तो देखो मैंने माउस पे जिस तरह से सर्कल किया है आपको भी इस तरह से सर्कल करना है. नाउ सेकेंड नंबर, द मॉनिटर और सीपीयू लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. क्या कह रहा है वो? टीवी स्क्रीन की तरह क्या दिखाई देता है? मॉनिटर दिखाई देता है या सीपीयू दिखाई देता है? तो हमने पढ़ा है लेसन में क्या दिखाई देता है? मॉनिटर जो है वो दिखाई देता है ना टीवी स्क्रीन की तरह, तो हम मॉनिटर पे क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. सी ये. नाउ थर्ड नंबर, द प्रिंटर और मॉनिटर प्रिंट्स ऑन पेपर. वो कह रहा है कि आपको अगर पेपर पे प्रिंट आउट अगर निकालना है तो आप प्रिंटर से कर सकते हो या मॉनिटर से कर सकते हो. तो हम लोग मॉनिटर से नहीं कर सकते, हम लोग किससे कर सकते हैं? प्रिंटर से. तो आपको किसको सर्कल करना है? प्रिंटर. सी है. नाउ फोर्थ वन, द कीबोर्ड और सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. क्या कह रहा है वो? या सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है या कीबोर्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है? तो क्या है? कीबोर्ड नहीं होता है. क्या है हमारा? सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है. तो सीपीयू पे हम लोग सर्कल करेंगे. नाउ फिफ्थ वन, द कीबोर्ड और स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक. वो क्या कह रहा है? अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो आप लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे कि स्पीकर को यूज करोगे? ठीक है, तो हम लोग किसको यूज करेंगे? स्पीकर को. कीबोर्ड से तो हम लोग नहीं सुन सकते, कीबोर्ड से तो हम लोग लिख सकते हैं ना. तो क्या है राइट आंसर हमारा? स्पीकर. हम लोग स्पीकर से सुन सकते हैं. तो हम लोग स्पीकर पे क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. सिक्स वन, द माउस और कीबोर्ड इज यूज टू राइट. अब क्या कह रहे हैं? आप लोग लिख किससे सकते हो? माउस से लिख सकते हो कि कीबोर्ड से लिख सकते हो? तो हम लोग किससे लिख सकते हैं? आपने पढ़ा था ना, किससे लिख सकते हैं हम लोग? कीबोर्ड से, है ना. माउस से हम लोग नहीं लिख सकते, तो कीबोर्ड पे हम लोग सर्कल करेंगे. नाउ सेवेंथ वन, ए ट्री और बॉल इज अ नेचुरल थिंग. अब क्या कह रहा है? इसमें से नेचुरल थिंग जो है वो कौन सी है? ट्री है कि बॉल है? ठीक है, तो बॉल तो क्या है हमारी? मैन मेड थिंग है. ट्री हमारी क्या है? नेचुरल थिंग है. ठीक है, उसे इंसान ने नहीं बनाया है. ओके, ठीक है, ये नेचुरल थिंग है. तो हम लोग ट्री पे क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. नाउ एट वन, अ फिश और पैन इज अ मैन मेड थिंग. अब क्या कह रहा है? मैन मेड थिंग कौन सी है हमारी? फिश है या हमारी पैन है? ओके, तो फिश तो हमारी क्या है? नेचुरल थिंग है. ठीक है, और पैन हमारी क्या है? मैन मेड थिंग है. पैन को इंसान ने ही बनाया है. ओके, तो हम लोग इसे सर्कल करें. नाउ नाइन्थ वन, ए कंप्यूटर और बुक इज ए मशीन. अब क्या कह रहा है वो? मशीन क्या होती है आपकी? कंप्यूटर मशीन है कि बुक मशीन है? तो बुक थोड़ी ना मशीन है, बुक में तो हम लोग लिखते हैं. ठीक है, लेकिन कंप्यूटर क्या है हमारा? मशीन है. ओके, कंप्यूटर पे ही हम सारा काम करते हैं ना, तो कंप्यूटर क्या है हमारी? मशीन है. तो हम लोग कंप्यूटर पे सर्कल करेंगे. टेंथ वन, द माउस और कीबोर्ड हैज मैनी कीज ऑन इट. अब वो क्या कह रहा है? माउस पे बहुत सारी कीज होती है कि कीबोर्ड पे बहुत सारी की होती है? ओके, तो हमको पता है कि माउस पे तो सिर्फ थ्री जो है वो बटन होते हैं, लेकिन कीबोर्ड्स पे क्या होते हैं? बहुत सारे कीज होते हैं. ओके, तो राइट आंसर क्या है हमारा? कीबोर्ड. तो हम लोग कीबोर्ड को सर्कल करेंगे. नाउ स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो आपको पेज नंबर 24 पे
दी गई थी और आपको भी इसे क्या करना है, कंप्लीट करना है अपने वर्कबुक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।